सम्मान करते हैं सबको मैं नहीं भर पाया, लेकिन आज पिछला दो साल के बाद हमको देखने को मिला कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के एक इंटीग्रल पार्ट होना है। और आज हमको पता चला कि आज अक्रॉस अरुणाचल में, अरुणाचल को एक जोन में बांट के आप लोग वहां अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन होकर यहां पे आ पहुंचा है गेम्स में, स्पोर्ट्स में। और मैं चाहता हूं कि इसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी को, गेम्स एक्टिविटी को हमारा पुलिस डिपार्टमेंट में और भी उसको मजबूत करना जरूरी है। हमको बहुत दुख हुआ कि पिछला साल हमारा, पिछला साल लास्ट ईयर जो हम लोग को ये स्पोर्ट्स खेलकूद के लिए सिर्फ 25 लाख रखा और इस बार 35 लाख रखा है, ये बहुत ही कम है। तो उसको हम कोशिश करेंगे, ऑनरेबल एडवाइजर नियामक करवा हम दोनों कोशिश करेंगे कि आने वाला साल के लिए इसको थोड़ा बजट बढ़ा के, उसको बढ़ा के और के साथ साथ हम लोग कहीं भी प्लेटफॉर्म में हमारे जितने नौजवान हैं जो लोग खेलकूद में एक्सपर्ट है, इन लोग को प्रदेश का नाम को या देश का नाम को कमाने के लिए आप लोग को ये फैसिलिटी दिया जाएगा। और मैं आज ये भी मैं कहना चाहता हूं कि डीजीपी साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस तरह का हम लोग नेक्स्ट हम लोग जो स्पोर्ट्स मीट होंगे तो हम लोग इस तरह का एक टेम्पररी स्ट्रक्चर नहीं होना है, बल्कि हम लोग यहाँ में परमानेंट स्ट्रक्चर होना है। इसको भी हम लोग को ये इस बार बजट में, हम लोग बजट भी आने वाला है तो ये सारा चीजों कुछ प्रायोरिटी होना है। और मैं बताना चाहता हूं कि आने वाला साल हम लोग 50 साल होने जा रहा है जो पुलिस एस्टैब्लिशमेंट 1972 से लेके, आने वाला साल हम लोग सारा जो डिपार्टमेंट है हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि हम सही मायने में हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट प्रदेश का सुरक्षा के लिए, प्रदेश का शांति के लिए हम लोग कितना करिया किया। और मेरा मानना है कि हाँ, सबने मिल के आज तक हम लोग प्रदेश जो है एक नाम रखा है कि एक मोस्ट पीसफुल स्टेट ऑफ द कंट्री, तो उसको हम लोग आगे और बढ़ाना है। हम लोग 1972 में बहुत कम लोग को रिक्रूट किया था, 1974 में फर्स्ट टाइम पास आउट हुआ था, तो आज चल के हम लोग करीब 14,000 से लोग हम लोग इस डिपार्टमेंट में है। इस साल एक्चुअली ये पिछला दो साल से कोरोना का कारण से ये जो पुलिस मीट एवरी ईयर हुआ करता है, स्पोर्ट्स मीट जो है, तो हो नहीं पाया क्योंकि कोरोना का कारण से हम लोग रुकना है। अभी दो साल के बाद आज हम लोग इस साल पूरा ये डिस्ट्रिक्ट से कंपटीशन होके फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फायरिंग कंपटीशन हो गया और कुछ ट्रैक इवेंट्स, बैडमिंटन इंडोर हॉल। तो इस बार भी कोरोना तो पूरा क्लियर नहीं होने के कारण से काफ़ी इवेंट्स को हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो आने वाले दिन जो है ये जो 49th
अरुणाचल प्रदेश पुलिस रेजिंग डे को कंसाइड करके किया है। तो आने वाला साल जो है 2022 को 50 साल होने जा रहा है जो हमारे पुलिस जो शुरुआत हुआ था। तो वी विल इंश्योर डेट कि नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू मेक ऑलमोस्ट मैक्सिमम इवेंट्स जो अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में पुलिस की फैमिली में कंपटीशन होगा। सर, इस तरह के इवेंट से किस जवानों को क्या फ़ायदा होगा? स्पोर्ट्स इवेंट में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट में क्या फ़ायदा होगा वो सबको पता है। और स्पेशली जो पुलिस में स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स तो होना ज़रूरी है। ये 9th को हमने SP और कमांडेंट्स लोगों का जो सीनियर पुलिस ऑफिसर पूरा रहेंगे, हम एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। वहाँ पे ये जितने जो स्पोर्ट्स में किस ढंग से होना है वो सब सारा चर्चा होगा, रिव्यू लिया जाएगा। तो उसके बाद हमको भी तरफ ये पता चला है कि काफ़ी हमारा जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए फंड तरह कम है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा फाइनेंस डिपार्टमेंट से, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर है, कि आने वाला बजट में, क्योंकि हमारा पुलिस फोर्स जो है हमेशा फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली हमेशा फिट रहना है, क्योंकि लोगों के साथ काम करना है। तो मैं हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑन 9th में जो हम लोग का कॉन्फ्रेंस है वहाँ पर हम लोग एक रिव्यू लेके फिर आगे हम लोग फॉरवर्ड करेंगे।